तो न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे खूंखार ऋषभ पंत ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से वानखेड़े को कीवी गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए तीसरे टेस्ट मुकाबले में पंत ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे ऋषभ पंत ने तूफानी शतक जड़ लगाए हैं, छक्कों के अंबार, आखिरकार ऋषभ पंत ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया ये ऐतिहासिक दोहरा शतक, दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। हालांकि पिछले दो टेस्ट मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद न्यूजीलैंड ने उन्हें हल्के में लेने की गलती की, बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जब मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट, ऋषभ पंत को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब बदले की आग में तड़प रहे इस जाबाज ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने कीवी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए बल्कि ऐतिहासिक शतक ठोक एक बार फिर से बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, सीरीज हार के बाद गुस्से से आग बबूला ऋषभ पंत ने इस मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया और शुरुआती झटकों के बाद ऋषभ पंत की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही पंत ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए न्यूजीलैंड के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों टिम सऊदी, एजाज पटेल से लेकर हेनरी तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं मिचेल सैंटनर के तो वहां पीछे ही वो पड़ गए थे। जब ऋषभ पंत की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से पंत ने ये ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन न्यूजीलैंड टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले ऋषभ पंत ने 4th गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, सऊदी की गेंद को पंत ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके जबरदस्त शॉट को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को ये अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने सेंटर के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए पंत ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए, लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। पंत खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, अभी से कीवी गेंदबाजों में डर का माहौल था क्योंकि ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी पंत की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, ऋषभ का कोहराम यही नहीं थमा, आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे, पंत हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद स्पिन के जादूगर एजाज पटेल, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो ऋषभ पंत को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन ये केवल एक उनकी गलत फहमी थी जो ऋषभ पंत के तूफान में पल भर में हवा हो गई। उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ पंत 80 रनों के पार पहुंच गए और यहां एजाज पटेल के मार खाने के बाद लैथम ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज टिम सऊदी को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों पर छक्का मारने के चक्कर में पंत अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, सऊदी के घमंड को चोर चोर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा ऋषभ पंत ने न सिर्फ कप्तान लैथम को गलत साबित किया बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए पंत ने केवल 57 गेंदें खेली थी जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत ने केवल 57 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। ऋषभ पंत का कोहराम यहीं नहीं रुका, उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। जहां मैट हेनरी की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में पहला दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले ऋषभ पंत ने केवल 148 गेंद खेली थी और 202 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 12 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अगले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे न्यूजीलैंड को मातम का माहौल उसमें पैदा कर दिया था। जिस तरीके से पंत ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी ये तो उनके लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भूल पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी पंत का ये अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत की इस खूंखार पारी को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गर्दन में हो रहा था बहुत ज्यादा दर्द, तकलीफ में थे यशस्वी जायसवाल, फिर भी भारत के लिए लड़ता रहा ये सूरमा। उनकी डेडिकेशन और समर्पण देखकर तो पूरा हिंदुस्तान कर रहा उन्हें सलाम। तो आखिर बीच मैदान में यशस्वी जायसवाल के साथ ऐसा क्या दर्दनाक हादसा हुआ कि बीच मैदान में वो दर्द के मारे लोटपोट हो गए। उनकी खराब हालत देखकर गंभीर से लेकर रोहित और कोहली के भी पसीने छूट गए। उस दिल दहला देने वाले मोमेंट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं यशस्वी जायसवाल जल्द से जल्द आउट होकर टीम इंडिया को जीत दिलाएं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
दोस्तों पुणे के मैदान पर टीम इंडिया की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। भारतीय क्रिकेट टीम एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि चौथी पारी में टीम इंडिया को टारगेट मिला था 359 रनों का चेस करने के लिए, और इतना बड़ा स्कोर भारतीय सरजमी पर चौथी पारी में चेस करना वैसा ही है जैसा समुद्र में डूबकर सांस लेना, मतलब कि नामुमकिन काम। सबको लगा था कि टीम इंडिया हार गई है, यहां से जीतने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। लेकिन तभी उभरते हुए सितारे यशस्वी जायसवाल ने उन सबको गलत साबित करते हुए टीम इंडिया की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल बेहद तकलीफ में थे, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वो अकेले न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से लड़ाई कर रहे थे। यहां तक कि चौथी पारी में कप्तान रोहित गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर जल्दी आउट हो गए और वहीं गिल भी केवल 23 रन बना पाए। दूसरी तरफ से विकेट जा रहे थे, लेकिन सलामी यशस्वी जायसवाल को। एक तरफ से उन्होंने अपनी शानदार 50 की और इस टेस्ट मैच को T20 बनाते हुए वो तो 120 के अधिक स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी 17वें ओवर में जब टीम इंडिया 110 रन बना गई थी तभी यशस्वी जायसवाल दर्द के मारे जमीन में लेट जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लम्हा देखकर तो वहां मौजूद हर कोई दहशत में आ गया था। यहां तक कि दौड़ते हुए फिजियो तुरंत जायसवाल के पास आते हैं, उन्हें चेक करते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं, लेकिन जायसवाल की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं उन्हें मैदान से बाहर ना ले जाना पड़े, लेकिन जायसवाल ने फिजियो को मना कर दिया। उन्होंने अपना उपचार करवाया और दोबारा से टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने लगे। सच में जो डेडिकेशन खिलाड़ी ने दिखाई वो देखकर तो रोहित कोहली गंभीर भी उन्हें सलाम कर रहे थे। उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और दर्द में भी खेलते रहे, तभी तो उनकी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जायसवाल की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी नई नई खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।